नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा। आज हम आपको ऐसे मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने न देखा होगा न सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 का ताज हासिल कर चुके इंदौर के नाले में क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन तो पहले ही खेला जा चुका है। मंगलवार को तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल होगा। शहर के कपल ने नाले में अपनी 21वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाकई यहाँ के नाले कितने साफ हो चुके हैं। विराट नगर के चौधरी पार्क में मौजूद नाले में मंगलवार शाम को धर्मेंद्र सिसोदिया और कविता सिसोदिया की शादी की 21वीं मैरिज एनिवर्सरी का आयोजन किया गया। नाले के बीचों बीच स्टेज लगा, ग्रीन कारपेट बिछाया गया। इस कारपेट पर चलकर कपल स्टेज पर पहुंचे और एक दूसरे को माला पहनाई। इस दौरान लोगों के बीच दंपत्ति ने केक काटकर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। नाले पर सालगिरह मनाने वाले धर्मेंद्र सिसोदिया ने कहा कि आज जिस प्रकार से मेरी शादी की सालगिरह का आयोजन किया गया है, इसमें बेटी, दामाद और बच्चे भी शामिल हुए। इस प्रकार तो मेरी शादी का समारोह भी नहीं मनाया गया था, इससे हम गदगद हो गए हैं। ऐसा अनोखा और अनूठा आयोजन इस तरह से तो शादी के समारोह में भी नहीं देखा जा सकता है। एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाले कपल ने इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है। शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे लगातार 4 साल तक बनाए रखना बड़ी बात है। इस तरह के आयोजन देखकर लगता है कि 5वीं बार भी इंदौर नंबर 1 बनने जा रहा है। निगम द्वारा नदी नाला शुद्धिकरण व नाला टैपिंग कार्य किया गया है। इसी का परिणाम है पूर्व में सूखे नाले में नाला क्रिकेट व नाला फुटबॉल मैच हो चुका है। नगर निगम इंदौर द्वारा किए गए नाला टैपिंग व आउटफॉल टैपिंग कार्यों के परिणाम स्वरूप शहर के कई नाले सूख गए हैं। इसमें चौधरी पार्क, विराट नगर स्थित सूखे नाले में धर्मेंद्र सिसोदिया और कविता सिसोदिया की 21वीं एनिवर्सरी स्वच्छ नाले में केक काटकर मनाई गई। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।